Hello everyone, welcome to my channel Tutor Ravi. So guys, I hope you all are fine and doing well. And guys, आज की इस वीडियो से हम डिस्कस करने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री. सो इससे पहले वाले जो वीडियोस थे उसमें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि कैसे अगर आपको इक्वेशन गिवन होगा फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में तो उसके कैसे टाइप्स होते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं. जैसे कि आपको मैं एक बार दिखा दूँ जो हमने ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. तो ये था आपका एग्जैक्ट का, अगर आपका इक्वेशन एग्जैक्ट है, नॉन एग्जैक्ट है, कैसे सॉल्व करते हैं. तो ये था, अगर नॉन एग्जैक्ट तो होमोजीनियस फंक्शन होता है. फिर उसके बाद हमारा सेकंड टाइप था, ये टाइप होता है उसमें. फिर थर्ड टाइप में हमारे पास ये क्वेश्चन होता है ए एन बी टाइप में. फिर फोर्थ टाइप था जो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट का. तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो एक बार रिक्वेस्ट है कि आप उन वीडियोस को देख लें, सो दैट कि आपको क्लियर हो जाएगा कि फर्स्ट ऑर्डर और हायर डिग्री का यहाँ पे मीनिंग क्या होता है. बेसिकली जो फर्स्ट ऑर्डर होता है, ऑर्डर मीन्स क्या हो गया, ऑर्डर मीन्स हो गया डी वाई बाई डी एक्स. यहाँ पे dy by dx अगर ये ऐसे होता है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो हम यहाँ से क्या बोलेंगे, जो ऑर्डर है वो क्या है, ऑर्डर हो गया 2. बट हमें यहाँ पे क्या टॉपिक है, क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर. तो फर्स्ट ऑर्डर मीन्स की सिंगल डिफरेंशिएशन, अगर डबल डिफरेंशिएशन होगा तो ऑर्डर 2, ट्रिपल डिफरेंशिएशन ऑर्डर 3. और इस डिफरेंशिएशन का जो पावर होगा, यहाँ पे जो भी पावर होगा, इस n को हम क्या बोलेंगे, डिग्री. अगर n इज इक्वल टू 1 है तो क्या होगा, 1 डिग्री. n इज इक्वल टू 2 है तो सेकंड डिग्री और हायर डिग्री. और यहाँ पे n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है. तो n इज इक्वल टू 1 मींस ऑर्डर 1, डिग्री 1. कैसे सॉल्व करेंगे वो तो हमने डिस्कस कर चुके हैं. बट अब ऑर्डर 1 है लेकिन डिग्री चेंज हो रहा है, डिग्री 1 से ग्रेटर होगा, तो उस केस में हम कैसे उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, उसी के जो फर्स्ट टाइप है उसको आज के वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी. इसका एक्स इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर एक्स भी होता है, वाई भी होता है, फिर क्लैरिटी इक्वेशन भी होता है. तो उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो पहले हम डिस्कस करते हैं इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी. अब सबसे पहला डाउट होगा कि यहाँ पे पी का मीनिंग क्या होता है. तो हम यहाँ पे पी को क्या बोलते हैं, डी वाई बाई डी एक्स. डी वाई अपॉन डी एक्स को हम डिनोट करते हैं पी से, ये चीज आप ध्यान रखेंगे. सो अगर आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो किस फॉर्म में होगा, जिसका ऑर्डर 1 हो, फर्स्ट ऑर्डर बट nth डिग्री. nth डिग्री मीन्स कि इस dy by dx की पावर कुछ भी हो सकता है. अब dy by dx किसके इक्वल है, p के इक्वल है. तो ये एक जनरल फॉर्म हो सकता है इक्वेशन का कि p की पावर n प्लस फंक्शन f1, कोई भी एक फंक्शन है x y में, p की पावर n माइनस 1 प्लस फंक्शन f2, p की पावर n माइनस 2. और यहाँ पे क्या हो गया, p की पावर जब 0 हो गया fn. तो इस टाइप का एक इक्वेशन, जनरल इक्वेशन आपको हो सकता है. तो इस इक्वेशन को, या फिर ये क्वाड्रेटिक होगा, क्यूबिक होगा, जो भी इक्वेशन होगा, तो उस इक्वेशन का जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम फैक्टर्स में डिवाइड करेंगे और फिर वहां से कॉमन लेंगे. जैसे कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व करते थे तो कैसे उसमें फैक्टर्स हम उसको डिवाइड करते थे, स्प्लिट करते थे, तो वहां पे हमें दो टर्म्स बनता था जो जीरो के इक्वल होता था. तो जब हम इन टर्म्स को जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ से क्या आ गया, पहले इसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे, फिर इसको, क्योंकि कुछ चीजें जीरो का इक्वल है. जैसे कि हम डिस्कस करते थे क्वाड्रेटिक में कि अगर x माइनस ए एंड x माइनस बी इज इक्वल टू जीरो है, तो ये क्वेश्चन ट्रू कब होगा, जब x इज इक्वल टू ए होगा और यहाँ से x इक्वल टू बी होगा, क्योंकि हम यहाँ से पुट करते थे x माइनस ए इज इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू ए आ गया. फिर पुट करते थे x माइनस बी इज इक्वल टू जीरो, सो x इज इक्वल टू बी आ गया. तो सेम चीज हम यहाँ पे भी करेंगे, मीन्स हम इसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो क्या आ गया, पी की वैल्यू एक आ जाएगा, पी इज इक्वल टू एफ वन x, y, then p is equal to f2 x, y, then p is equal to f3 x, y, और ऐसे ही चलता रहेगा. ये क्या हो जाएगा, p is equal to f of n x, y. अब गाइज आपको यहाँ से एक समझ में भी कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनको यहाँ से समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या p कर रहा है, ये क्या फंक्शन है. तो जब इसका एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा. ये चीज आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ये बस एक बुक में दिया होता है जिस टाइप से. तो मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, सो दैट कि आपको जब आप बुक से रीड करें तो कोई आपको डाउट ना हो, ये चीज हो जाता है. फिर इसके बाद हम इसको सॉल्व करके, जीरो के इक्वल पुट करके हम रूट्स फाइंड करते हैं. फिर रूट्स फाइंड करने के बाद इसको हम मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं. तो कैसे सॉल्व करते हैं वो हम अगर हम एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे, एज कम्पेयर टू जो बुक में फॉर्मूला गिवन है, तो आपको एग्जांपल से समझने में ज्यादा क्लियर होगा. तो हम सीधा डायरेक्ट एग्जांपल पे चलते हैं. नाउ गाइस, जो हमें क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन में क्या है, dy / dx - dx / dy = x / y - y / x. अब इसमें क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें हमें अप्लाई करना है सॉल्वेबल फॉर p. सो p का क्या हमने वैल्यू बताया था, p को हम रिप्रेजेंट करते हैं dy / dx, मींस dy / dx को हम p लिखते हैं. तो अगर आपको इक्वेशन में
dy upon dx को रिप्लेस करने के बाद dy upon dx को जब हम p से रिप्लेस करेंगे उसके बाद अगर आपका इक्वेशन क्वाड्रेटिक या क्यूबिक या ऐसे में चेंज हो जाता है मींस p की पावर n में अगर चेंज हो रहा है तो वहां पे हम क्या अप्लाई कर देंगे सॉल्वेबल फॉर p। सेम ऐसे ही इसका एक और भी होता है सॉल्वेबल फॉर x भी है सॉल्वेबल फॉर y भी है तो वहां पे देखेंगे हम कौन से क्वेश्चन में x अप्लाई करेंगे कौन से में y अप्लाई करेंगे वो हम उन वीडियोस में डिस्कस कर लेंगे। तो p कैसे अप्लाई करना है p किस में अप्लाई करना है जिसमें p की पावर कुछ इक्वेशन बन रहा हो p की पावर 2 p स्क्वायर p क्यूब p 3। सो यहां पे अब क्या है इसको पहले रिप्लेस करते हैं p से तो क्या हो जाएगा p माइनस ये dx अपॉन dy हो तो क्या हो गया 1 अपॉन p इज इक्वल टू x अपॉन y माइनस y अपॉन x। अब क्या हो गया इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू ये पी इधर चले जाएगा मल्टीप्लाई में हो गया पी एक्स अपॉन वाई माइनस वाई अपॉन एक्स। तो यहाँ से क्या जाएगा पी स्क्वायर माइनस पी एक्स अपॉन वाई माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे पी स्क्वायर और ये माइनस अगर कॉमन ले लेते तो क्या हो जाएगा प्लस पी ये हो जाएगा वाई अपॉन एक्स माइनस एक्स अपॉन वाई माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। नाउ उसको अगर हम ओपन कर ले तो क्या आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस पी इंटू वाई अपॉन एक्स माइनस पी इंटू एक्स अपॉन वाई माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो अगर हम यहाँ से क्या करें पी कॉमन ले ले इन दोनों टर्म से पी से मतलब पी कॉमन ले तो क्या हो जाएगा पी पी प्लस वाई अपॉन एक्स। अब ये क्या है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब हम इसके रूट्स फाइंड करते हैं या फिर इसको हम फैक्टराइज करते हैं तो एक तो होता है मिडल टर्म स्प्लिट। तो यहाँ पे मिडल टर्म स्प्लिट अप्लाई हुआ है यहाँ पे मैं सिंपल पी को मल्टीप्लाई करके कर लिया हूँ बट एक मिडल टर्म स्प्लिट भी फॉर्मूला होता है उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट फाइंड करते हैं या फिर एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है बी इज इक्वल टू माइनस जो क्वाड्रेटिक क्या होता है बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए तो वो भी एक फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे जब हमने p कॉमन लिया इस इक्वेशन से तो क्या आ गया p p प्लस वाई अपॉन एक्स। अब हमें इक्वेशन फाइंड करने के लिए इस साइड भी जब हम इन दोनों को भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे भी p प्लस वाई अपॉन एक्स आना चाहिए ब्रैकेट में तो वो करने के लिए यहाँ से हम क्या करेंगे x अपॉन वाई को कॉमन लेंगे यहाँ से हम x अपॉन वाई को कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा अगर हम कॉमन लें माइनस ऑफ x अपॉन वाई तो ये क्या बचेगा x अपॉन वाई कॉमन लेंगे तो यहाँ से जाएगा p और प्लस ऑफ y अपॉन x इज इक्वल टू जीरो क्योंकि जब हम x अपॉन y को अंदर मल्टीप्लाई करें मैं यहाँ साइड में डिस्कस करता हूँ जब हम माइनस x अपॉन y को p प्लस y अपॉन x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा ये हो जाएगा माइनस p इंटू x अपॉन y और ये x अपॉन y y अपॉन x कर जाएगा तो ये बचेगा माइनस वन जो कि यहाँ पे ये टर्म था। तो मैंने माइनस x अपॉन y इसीलिए कॉमन लिया है क्योंकि हमें इस वाले को और इस वाले को सेम करना होता है तभी हम इस इक्वेशन से क्या करते हैं हम दो रूट्स फाइंड कर सकते हैं तभी हम इस इक्वेशन से दो रूट फाइंड कर सकते हैं। तो इसको हम फिर क्या लिखते हैं p माइनस एक्स अपॉन वाई एंड p प्लस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू जीरो तो ये क्या हो गया फाइनली ये हो गया p माइनस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू जीरो और p प्लस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू जीरो। सो यहाँ से p को क्या लिख सकते हैं हम dy upon dx minus x upon y is equal to 0 तो इसको हम लिख सकते हैं dy upon dx is equal to x upon y। अब ये y यहाँ मल्टीप्लाई होगा x यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा x ये हो जाएगा y dy और यहाँ से हो जाएगा y dy या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं हम ये हो जाएगा dx यहाँ से हो जाएगा x dx ये हो जाएगा x dx minus y dy is equal to 0 क्योंकि x dx minus y dy is equal to 0। अब इसको क्या करना है इंटीग्रेट करना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक कांस्टेंट आ जाएगा 0 की जगह तो ये क्या हो जाएगा x square minus y square is equal to c एक तो ये आ गया या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x square minus y square minus c is equal to 0 एक तो ये रूट्स आ गया इसका फैक्टराइज करने पे मीन्स इसको सॉल्व करने पे और एक जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा p plus dy upon dx is equal to minus y upon x तो यहाँ से क्या हो जाएगा x dy ये हो जाएगा x dy is equal to minus y dx तो ये जाता है x dy plus y dx is equal to 0। एंड गाइस एक चीज ध्यान रखें कि जब भी आपको इस टाइप में कहीं भी क्वेश्चन गिवन होगा और इसको आपको इंटीग्रेट करना है तो आप हमेशा इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं कैसे लिख सकते हैं d of x y is equal to 0। तो जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन हो ये चीज याद रखें ऐसा होगा तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है तो क्या करेंगे हम इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू यहाँ सी आ जाएगा तो ये डिफरेंशिएशन हो रहा है फिर इंटीग्रेट हो रहा है तो ये एक्स वाई हो गया इज इक्वल टू सी मीन्स एक्स वाई माइनस सी इज इक्वल टू जीरो।
अब आपके पास एक तो सॉल्व करके ये आया है, एक सॉल्व करके ये आया है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना होता है। मीन्स कि ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस सी एंड ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू जीरो। ये इसका आंसर हो गया। सो गाइज आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा सॉल्वर फॉर पी। एंड गाइज इस वीडियो में मैंने एक एग्जाम्पल डिस्कस किया, नेक्स्ट वीडियो में इसके एक और क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं इस टाइप से क्वेश्चन, तो आपको वहां से क्लियर हो जाएगा और डिटेल में कि कैसे हम सॉल्वेबल फॉर पी को अप्लाई कर सकते हैं इक्वेशन में। मैं एक बार फिर से बता दूं कि अगर आपको इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ पी, अगर क्वाड्रेटिक क्यूबिक ऐसा कुछ बन रहा हो, मीन्स पी की पावर में कुछ बन रहा हो, पी की पावर एन, एन की वैल्यू 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम पहले क्या करते हैं इक्वेशन को हम इन द फॉर्म ऑफ पी पहले रिड्यूस करते हैं, जैसे कि पी स्क्वायर पी क्यूब जो भी होगा, फिर वहां से हम ट्राई करते हैं रूट फाइंड करने का। जैसे इस एग्जाम्पल में क्या था, इस जो एग्जाम्पल आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, यहाँ पे हमने स्क्वायर की फॉर्म में था, देख सकते हैं पी स्क्वायर बना था। तो पी स्क्वायर में क्या होता है, एक और चीज बता दूं यहाँ से, इस वाली इक्वेशन से यहाँ से बता दूं कि इक्वेशन क्या था, पी स्क्वायर प्लस पी वाई अपॉन एक्स माइनस एक्स अपॉन वाई माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे एक चीज क्या होता है, एक टर्म होता है मिडिल टर्म स्प्लिट, उसकी हेल्प से हम इक्वेशन को फैक्टराइज कर सकते हैं उसमें। अब ये इक्वेशन का फॉर्म होता है ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अब ये इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ पी है, तो ये क्या है, ए पी स्क्वायर प्लस बी पी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, सी कॉन्स्टेंट है। तो हमें इस मिडल टर्म को, ये जो बी पी होता है, इसको ऐसे फैक्टराइज करना होता है कि मीन्स इसको हम दो टर्म में ऐसे डिवाइड करते हैं। सपोज एक टर्म हो गया, आप ले लेते हैं, हम ले लेते हैं एक्स, नहीं एक टर्म ले लेते हैं हम, सपोज वन ले लेते हैं, ये टू ले लेते हैं, टू टर्म हो गया। हमको ऐसे स्प्लिट करना होता है कि जब हम इन दोनों को वन इंटू टू करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, ये इक्वल होगा किसके, ए सी के, ये इक्वल होगा ए सी के। और अगर हम वन प्लस टू करेंगे तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, यहाँ पे बी पी के। ये चीज आपको ध्यान देना है, मिडल टर्म स्प्लिट ऐसा ही होता है। सो अगर आप इस वाली इक्वेशन को ले, यहाँ पे ले पी वाई अपॉन एक्स माइनस एक्स अपॉन वाई, तो इसको जब मैंने इसमें स्प्लिट किया है, हमने तो सिंपल यहाँ मल्टीप्लाई किया है, बट आप इसको स्प्लिटिंग भी बोल सकते हैं। तो इन दोनों का जब आप क्या करें, ऐड करें, तो इसको ऐड करेंगे तो सिंपल यही बन जाएगा, जो है वही रहेगा। यहाँ से पी कॉमन ले लेंगे तो वापस ये वाला फॉर्म बन गया, देख सकते हैं वन प्लस टू करने पे बीपी बन रहा है, यहाँ पे इन दोनों को ऐड करने पे ये बन रहा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, मैं ऊपर यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, पी इंटू वाई अपॉन एक्स, और ये किससे मल्टीप्लाई में है, माइनस पी इंटू एक्स अपॉन वाई। तो देख सकते हैं गाइस, ये एक्स से कैंसिल हो गया, वाई वाई से कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, माइनस पी स्क्वायर मल्टीप्लाई करके, और जब हम ए इंटू सी करेंगे, ये चीज ए इंटू सी, तो ए क्या है, पी स्क्वायर है, सी क्या है, माइनस वन है, तो ये भी क्या हो गया, माइनस पी स्क्वायर, मीन्स कि हमने मिडल टर्म स्प्लिट करेक्ट किया है। तो गाइज आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। फिर एंड में हम यहाँ से क्या करेंगे, इसका इस फॉर्म में चेंज करके फिर इसको हम जीरो के इक्वल पुट करके वहां से हम इसको इंटीग्रेट करके, और फिर जो सॉल्यूशन आएगा एंड में, यहाँ पर जो सॉल्यूशन आया है, इस सी को भी इस साइड सेंड करके जीरो के इक्वल पुट करके और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका आंसर हो गया। अगर यहाँ पे ऐसा तीन बन रहा होगा, मीन्स जैसे कि यहाँ पे पी माइनस एक्स वाई था, पी प्लस वाई अपॉन एक्स था, एंड अगर यहाँ पे ऐसा भी बने, इसको एंड ले लो, अगर एंड यहाँ पे ऐसा ही बने पी माइनस वाई अपॉन एक्स, सपोज ऐसा बनता, तो इसको भी सॉल्व करके जो चीज आता, फिर सपोज ये आता हमारे पास, जो कुछ भी ले लो, ये आता हमारे पास बी, या इसको ले लेते हैं एम, एम ले लेते इसको, अगर ये एम आता कुछ, तो इस एम को भी यहाँ पे क्या करते, मल्टीप्लाई करते, और ये तीनों मल्टीप्लाई करके इसका आंसर हो जाता। सो गाइज आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, या फिर कोई भी सजेशन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके बता सकते हैं। एंड एक रिक्वेस्ट है गाइज कि इन वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सो दैट कि वो भी एग्जाम से पहले इन सभी कॉन्सेप्ट्स को इजीली रिवाइज कर सके। क्योंकि मैं एक एक स्टेप को डिटेल में डिस्कस किया हूँ, इतना डिटेल में आपको बुक में भी नहीं मिलेगा सॉल्यूशन, और ना ही कोई यूट्यूब पे आपको इतना डिटेल में कोई डिस्कस करवाएगा। सो रिक्वेस्ट है कि उन बच्चों के साथ शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दें, सो दैट कि अभी और भी वीडियोस आएंगे, लाइक सॉल्वेबल फॉर वाई, सॉल्वेबल फॉर एक्स, क्लैरिटी इक्वेशन, उसके बाद फिर हम आगे सी एफ पी आई, ये सब कुछ पार्टिकुलर इक्वेशन आंसर, ये सब कैसे फाइंड करते हैं, तो इन सब चीज़ों पर वीडियो में अपलोड करने वाला हूँ, तो आप नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। सो इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि जैसे ही वीडियो अपलोड होगा, आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन एट अ टाइम मिल जाएगा, और फिर आप उन वीडियोज़ को टाइम विद इन टाइम आप एग्जाम से पहले पहले देख सकते हैं, कॉन्सेप्ट्स को इजिली रिवाइज कर सकते हैं, एंड वो डेफिनेटली आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।